Hello everyone, namaste, welcome back to the channel Being Me, Just Another Mommy. My name is Roma and hope you all are doing great. Today is Sunday morning and in today's video I'm going to share with you our weekly groceries. So both from supermarket here, Lidl, and from Asian store. Winter is almost here, abhi autumn chal raha hai aur season kafi change ho gaya hai. Mostly it stays cloudy and it started raining. Par aaj morning thoda dhoop aaya tha, to humare ghar ke paas yahan pe Cross Haven mein ek popular beach hai jo ki Church Bay hai and it's very scenic. So isme summer time mein people usually go there for trekking and hiking. Hame wahan jana bahut acha lagta hai just to enjoy the view. So humne socha Sunday morning coffee wahan pe piye and while coming back we will finish our groceries. काफ़ी टाइम से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था मेरे पुराने वीडियोस में टू शेयर के ग्रॉसरी प्राइसिंग कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे वही शेयर करूँगी. दो मैं शॉप की ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई, बीइंग अ संडे इट वाज क्वाइट क्राउडेड, वो मैं आप लोगों के साथ कभी बाद में किसी और वीडियो में शेयर करूँगी. घर जाने के बाद आई विल टेक आउट ऑल द स्टफ दैट वी गॉट अलॉन्ग विथ प्राइस. आई विल शेयर इट विथ यू सो दैट यू हैव अ रफ आइडिया बिफोर कमिंग हियर. दिस इज लिटिल, दिस इज माई फेवरेट सुपर मार्केट हियर. और लिटिल का शॉपिंग कम्प्लीट करके हमको एशियन स्टोर जाना था जो कि डगलस में है एंड वी वर वेरी हंग्री सो वी थॉट वी लीट आउटसाइड. तो यहाँ पे कैरिक लाइन में जो कैरिक लाइन का पार्क है उसके ऑपोजिट में ये फूड ट्रक बन बैठता है विच इज वन ऑफ आवर फेवरेट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रिल चिकन दैट यू गेट. काफी इंडियन स्टाइल में होता है तो हमने वहीं से खाना खाया. रौनक को वहाँ का फ्राइज बहुत पसंद है. तो वी हैड फूड देयर एंड देन वी स्टार्टेड फॉर डगलस. Love this shop, right? It comes here on Sunday beside Lidl. Lidl? What is Lidl? तो इधर आप पूरा फोरकास्ट देख के घर से निकलो या फिर ऑलवेज कैरी अ जैकेट. सो वी रीच्ड होम. सो द फर्स्ट सेट ऑफ ग्रोसरीज जो मैं अभी शो करूंगी ये है फ्रॉम लिटिल सुपर मार्केट एंड द नेक्स्ट सेट इज फ्रॉम द एशियन स्टोर. एशियन स्टोर में मुझे बस वीकली सामान ही लेना था क्योंकि हम इंडिया से आने के बाद पूरा मंथ का ऑलरेडी शॉपिंग कर लिया था. थोड़े बहुत सामान जैसे आटा एंड ऑल खत्म हुआ था तो वो लेना था.
था हमारा सुपरमार्केट का शॉपिंग और द टोटल केम अराउंड 63 यूरोस, जिसमें से आई थिंक हेलोवीन डेकोरेशन था फॉर 2 यूरोस और 3 यूरोस, और 3 यूरोस का रौनव ने डोनट्स लिया था. रेस्ट ऑल इज द वीकली चीज़ें जो हम एज अ फैमिली ऑफ 3 कंज्यूम करते हैं. वीकेंड आते आते कोई ना काम तो रहता ही है, तो आज का काम था हमारा कि पैटियो क्लीन करना दिवाली से पहले, और जितने भी वीड्स हैं उनको किल करना, और पैटियो का स्टोन क्योंकि बारिश एंड 2-3 महीने से क्लीन नहीं हुआ था, हम थे नहीं यहाँ पे, उसको क्लीन करना. तो हमने गार्डन शॉप से ये लाए थे, इससे काफ़ी अच्छे से चमक जाता है जो स्टोन्स है. तो इट केम अराउंड आई थिंक 7 यूरोस, और ये 2.5 लीटर्स का जार है. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैं दिखाती हूँ एशियन शॉप से क्या क्या लिया. सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आटा. आटा आपको रेगुलर शॉप में भी मिल जाता है, पर उसमें यू नो इट्स नॉट लाइक आवर व्हीट फ्लावर जो हम खाते हैं, वैसा नहीं होता. आई थिंक हल्का मैदा मिक्स होता है. आटा हमने ये 10 केजी का पैकेट लिया था एंड इट केम फॉर 20 यूरोस. यूजुअली इसी प्राइस रेंज में रहता है. आपको आशीर्वाद का ब्रांड भी मिल जाता है, पर इस टाइम उनके पास स्टॉक में नहीं था, तो वी गॉट पिल्सबरी. एंड रेस्ट ऑफ द सामान मैं आपको दिखाती हूँ. ये था एशियन स्टोर वाला शॉपिंग एंड द टोटल केम अराउंड 58 यूरोस. तो इसमें से आई थिंक पनीर मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था. सो पनीर वो जो पैकेट आता है जो यूजुअल 200 ग्राम्स का होता है, 3 यूरो का लिया इस बार एंड इट कीप्स चेंजिंग. तो होप यू फाउंड टुडेज वीडियो हेल्पफुल. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.